किस लिए करें? अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह राजी हो जाए। अब इसमें चाहे लज्जत आए या ना आए, मजा आए या ना आए, कोई कैफियत दारी हो या ना हो, कोई अच्छे ख्वाब नजर आए या ना आए, ये उसके लवाजमात में से ये बातें नहीं है। असल चीज क्या है? इस्तेकामत के साथ किसी अमल को निभाना, उस अमल को करते रहना, और उस करते रहने में जो मशक्कत, जो मुजाहदा पेश आए, उस मशक्कत और मुजाहदे को बहुत सब्र के साथ बर्दाश्त करते रहना, और किसी किस्म की उजलत का शिकार ना हो। इतने दिन हो गए जिक्र करते हुए और तब तो कुछ महसूस होता नहीं, और इतने दिन हो गए रात को तहज्जुद पढ़ते हुए अब तक तो कुछ महसूस होता नहीं। तो जब इंसान इन चीजों को महसूसात को सोचने लगता है तो शैतान वसवसा डाल देता है। शैतान वसवसा डालकर इसकी सोच को पुख्ता कर देता है, कहता तेरा वली अल्लाह को पसंद नहीं है, तेरा वली अल्लाह को पसंद नहीं है, जब तक तुझे महसूस नहीं होता, तुझे लज्जत नहीं आती, तुझे मजा नहीं आता। अगर तेरा अमल अल्लाह को पसंद होता तो लज्जत और मजा भी आता। हालांकि लज्जत और मजा आना ये अलामत उस अमल की कबूलियत की नहीं है, बल्कि असल उसकी पहचान ये है कि अगर तौहीद बराबर शामिल हाल है, तौहीद अगर मिल रही है और उस पर दबाव है, पाबंदी है, इस्तेमालत है, तो बस ये अलामत है कि अल्लाह को यह अमल पसंद है, जबकि तो तौहीद शामिल हाल है। क्योंकि उनकी ताइन जो है, ताइन जो है भी वो पहले इंसान के शामिल हाल होती है और उस ताइन के बाद फिर तौफीक का जरूर होता है। तो वो ताइन शामिल हाल हुई और वो तौफीक का जरूर होना, अल्लाह ने जिक्र की तौफीक दे दी, तिलावत की, नमाज की, किसी नेकी की तौफीक दे दी, गुनाह से बचने की तौफीक दे दी, तो ये अलामत है कि अल्लाह की नजर करम इस बंदे के ऊपर है। ये तौफीकात का मिलना इस बात की अलामत है। बस इसके अलावा और क्या चाहिए? तो किसी लज्जत का, मजे का, कैफियत का तालिब नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने मौला का तालिब होना चाहिए कि बस अल्लाह के साथ ताल्लुक कभी से कभी होता है, और वो होता है अमल की इस्तेकामत पर, किसके अंदर कितनी इस्तेकामत है, और जिसके अंदर जितनी इस्तेकामत है उतना ही उसका अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत है, और जिसको किसी अमल के करने में जितना मुजाहदा पेश आ रहा है, मशक्कत पेश आ रही है, और अंदर से रुकावटें हैं, नफ्स रुकावट डालता है, शैतान रुकावट डालता है, माहौल रुकावट बन जाता है, कोई दोस्त रुकावट बन जाता है, तो कहीं मशक्कत के बावजूद जो उस अमल को कर रहा है, अल्लाह ताला उसके अजर व सवाब को बढ़ा रहे हैं, और वो मामूली सा छोटा सा अमल कीमती से कीमती बनता चला जा रहा है। इसलिए हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, और कभी कैफियात की लज्जत के दर्जे नहीं होना चाहिए, और जितनी तौफीक मिलती है शुक्र करता रहे, या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तुझे तौफीक दे दी, तेरा शुक्र। और शुक्र पर वादा है कि अल्लाह ताला उस नेमत में बरकत अता फरमाएगा, तरक्की अता फरमाएगा, उसको अल्लाह इस्तेकामत अता फरमा देगा। शुक्र के अंदर वादा है नहीं शुक्र को वैसी जनता को, तो जहां पर शुक्र चाहिए, और शैतान क्या कहता है, प्राइवेसी के अंदर डालता है कि जब लज्जत और मजा नहीं आया तो उनको बेकार हो गया, उनका बेकार हो गया तो फिर उसे छोड़ देना चाहिए। यही वजह है कि बहुत से सालिकीन और तालिबीन बार बार मामूलात को शुरू करते हैं, बड़ी पाबंदी के साथ शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन करने के बाद उनकी नजर इस पर होती है कि कुछ इसका फायदा महसूस नहीं हो रहा, और जब महसूस नहीं हो रहा तो फिर करने का क्या फायदा है। ये नफ्स की एक शरारत होती है कि नफ्स पर वो अमल भारी होता है, और नफ्स उस बोझ को हल्का करना चाहता है, उस कैद से आजाद होना चाहता है, उन्हें सिखाता है कुछ उसका फायदा तो कुछ नहीं है। अब अगर किसी शहर का, किसी रंगम का दामन हाथ पे है तो पूछकर अपने मसले को हल करने का बुद्धि सुलझ जाएगी, और अगर किसी रंगम का दामन हाथ पे नहीं है और अपने नफ्स ही से मशवरा कर रहा है, जैसे मुजद्दिद थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि बाद लोग अपने नफ्स को अपना शेख बना लेते हैं, और जो नफ्स कहता है उसकी बात को मानते हैं, अपने जी की बात को मानते हैं, तो वो तो यही कहेगा कि कोई अमल को छोड़ दे, इसकी क्या जरूरत है, इसका कोई फायदा तो है नहीं, जबकि हकीकत यह है कि फायदा हो रहा है। और इसकी एक बहुत सी मिसालें मुजद्दिद थानवी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते थे,
और बयान करते थे कि अगर किसी नलके से पानी का कतरा कतरा गिरता रहे पत्थर को सुराख कर देता है, लेकिन जब पहला कतरा जो गिरता है पत्थर को सुराख नहीं करता, एक मुद्दत तक वो कतरा गिरते गिरते आपके पत्थर में सुराख हो जाता है। अब कोई अगर ये कहे कि ये जो आखिरी कतरा गिरा था इसने सुराख कर दिया, उसमें यही कहा जाएगा कि जो काम आखिरी कतरे ने किया वो पहले कतरे ने भी किया, और तमाम कतरात का ये तसलसल था जो पत्थर को सुराख हो गया। इसी तरह से जो आदमी एक अमल करता रहता है दिल आदमी अल्लाह ताला की मोहब्बत का जो एक शरर है एक नूर है वो सब दिल के अंदर महसूस होने लगता है, वो फल उसे महसूस होने लगता है कि हाँ अल्लाह की मोहब्बत का फल मेरे दिल के अंदर मौजूद है। लेकिन अगर हिम्मत हार के उसे छोड़ देता तो फिर उसके फायदे से इंसान महरूम हो जाता है। तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हदीस शरीफ में है कि हम तआला जब अपने बंदे को चाहते हैं यानी अपने बंदे से मोहब्बत करते हैं अपने बंदे से प्यार करते हैं तो उसको दुनिया से ऐसा बचाते हैं जैसा तुम इस्तिस्का के बीमार को पानी से बचाते हो। इस्तिस्का का जो मरीज होता है उसमें प्यास की शिद्दत होती है और वो प्यास की शिद्दत इतनी होती है कि जितना उसे पानी पिलाए चले जाओ उसकी प्यास बुझती नहीं, प्यास बढ़ती चली जाती है। यहां तक ये कहते हैं कि अगर उसे समुद्र के किनारे भी खड़ा कर दो, दरिया के किनारे खड़ा कर दो, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझती, इस्तिस्का का मरीज ऐसा होता है। तो जैसे इस्तिस्का के मरीज को पानी से बचाया जाता है तो पानी इसका इलाज नहीं है, बल्कि जितना पानी इसका रोक कर इसके मर्ज का इलाज किया जाएगा तो फायदा देगा। तो इसी तरह से अल्लाह ताला जिस बंदे को चाहते हैं जिस बंदे से मोहब्बत करते हैं अल्लाह ताला उसे दुनिया से इस तरह से बचाते हैं। और ये बहुत अजीब बात है कि ये दोनों एक मुतजाद चीजें हैं, इन दोनों के अंदर आपस में बड़ा तजाहुर है कि एक तरफ अल्लाह ताला की मोहब्बत है और एक तरफ दुनिया की मोहब्बत है, क्योंकि दोनों चीजें उन्हें एक दूसरे से टकराने वाली है। या इंसान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत है या दुनिया की मोहब्बत है, और दुनिया की मोहब्बत जब आती है उसकी निशानियां कुछ और होती हैं और जब अल्लाह की मोहब्बत आती है तो उसकी निशानियां कुछ और होती हैं। दुनिया की मोहब्बत के लिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दुनिया की जो मोहब्बत है ये सारी खराबियों की जड़ है। तो जितनी खराबियां इंसान के अंदर जन्म ले सकती है, जितनी बुराइयां जन्म ले सकती है, उसका सबब और उसकी जड़ें अगर कहीं जाकर मिलती है तो दुनिया की मोहब्बत से मिलती है। कोई आदमी नमाज कज़ा कर देता है तो नमाज बिल्कुल नहीं पढ़ता, तो किसी के हक को वसर करता है। अगर इन तमाम चीजों की हकीकत के अंदर गौर किया जाए तो उसका सबब दुनिया की मोहब्बत होती है। ये सारी खराबियां जो इंसान के अंदर जन्म दे रही है उसका सबब ये दुनिया की मोहब्बत है। लेकिन उसके मुकाबले क्या चीज है, इसके मुकाबले अल्लाह की मोहब्बत है। और दुनिया की मोहब्बत और दुनिया की चाहत इसलिए इंसान के अंदर ज्यादा होती है कि दुनिया की चीजों के जो नफे हैं वो सामने मौजूद होते हैं, खाने का नफा, पीने का नफा, पहनने का नफा, या किसी और लज्जात का नफा, शहवात का नफा, उन चीजों के फायदे उसे सामने नजर आते हैं कि इस चीज के अंदर ये फायदा है। यही वजह है कि दिल तेजी के साथ उसकी तरफ माइल होता है। लेकिन नेकी जो इंसान करता है उस नेकी का फौरी नफा उसे दुनिया के अंदर महसूस नहीं होता, और अल्लाह ताला दुनिया में फौरी नफा देना भी नहीं चाहते। ये अलग बात है कि उसकी फवाइद दुनिया के अंदर शुरू हो जाते हैं। मुझे दिल थानवी रहमतुल्लाह ने छोटा सा रिसाला लिखा दरबारुल अहबार, उन छोटे से रिसाले के अंदर नेकियों के दुनिया में फवाइद को लिखा कि नेकी करने का दुनिया में क्या फायदा है। असल फायदा तो आप लोग को होगा लेकिन दुनिया में भी फायदा होता है। इसी तरह से नेकी का आखिरत में क्या फायदा होगा इसको भी जमा करना है। इसी तरह गुनाह का दुनिया में नुकसान, क्योंकि गुनाह का असल नुकसान तो आखिरत में होगा, उसकी सजा आखिरत में मिलेगी, लेकिन गुनाह की सजा दुनिया में शुरू हो जाती है। और उसकी मुख्तलिफ छवियां मुझे दिख थानवी रहमतुल्लाह ने बयान करवाई, और ये छोटा सा रिसाला हर आदमी को पढ़ना चाहिए जज़ाउल अहबार, कि नेकी के दुनिया में फवाइद और आखिरत में समरात क्या है।
और गुनाह के दुनिया के नुकसान और आखिरत के नुकसान क्या है, इन चारों चीजों का हजरत उसमें जमा करवाया है। तो मैं ये कह रहा था कि नेकी का असल फायदा तो आखिरत में होगा, लेकिन दुनिया में कुछ न कुछ उसका नफा इंसान को महसूस होने लगता है। और सबसे बढ़कर यह नफा महसूस होता है कि जैसे जैसे अल्लाह ताला की इताअत दिल के अंदर बढ़ती जाती है, वैसे वैसे अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती जाती है। और अल्लाह की मोहब्बत जो बढ़ती जाती है तो दुनिया की मोहब्बत भी बढ़ती जाती है। और उसकी पहचान हमने ये बयान फरमाई कि जैसे बताया कि तुम उसको दुनिया से ऐसा बचाते हैं अल्लाह ताला, जैसे इस तिस्का के मरीज को तुम पानी से बचाते हो, क्योंकि ज्यादा माल और दौलत जमा होने से वो जमीयत जमीयत बातिन फौज हो जाती है, दिल की जमीयत। दिल की जमीयत किसे कहते हैं, दिल की यकसुई को कहते हैं। कि दिल की यकसुई और दिल की जो जमीयत है वो ज्यादा माल और दौलत के आने से वो फौज हो जाती है, और दिल की जमीयत पर राहत का लगा कि किसके दिल पर कितनी जमीयत कल्ब है, इत्मीनान कल्ब है, उतना ही उसकी जिंदगी के अंदर राहत होगी और सुकून होगा। और अगर वो जमीयत नहीं होगी तो उसके मुकाबले क्या चीज होगी, इंतशार होगा। तो ये दुनिया का माल और दौलत जितना बढ़ता जाता है, ये सुकून लाने के बजाय ये इंतशार को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है कि कभी तो ये नाम है कि ये माल नहीं, और जब माल आ गया तो फिर हम है उसकी हिफाजत कैसे हो, उस माल को बढ़ाया कैसे जाए, उसके बढ़ाने की फिक्र है, उसकी हिफाजत की फिक्र है। और अगर अल्लाह ने करे तो कहीं मिलने के बाद नुकसान हो गया तो उसके जया होने का रंग है। तो ये माल जब दुनिया के अंदर आता है तो ये बहुत से इम्तिहान और आजमाइश के साथ लेकर आता है। ये ऐसा नहीं है कि माल के आते ही कोई खुशहाली आ गई और इंसान से हर दुख हर गम हर तकलीफ दूर हो गई। जबकि हकीकत यह है कि दुनिया में जो जितना ज्यादा मालदार होता है उतना ही ज्यादा वो मसाइब के अंदर घिरा हुआ भी होता है, उतना ही जितना बड़ा दुनियादार आपको नजर आता है, उतना ही ज्यादा जितने बड़े मनसब पर नजर आता है, उतना ज्यादा परेशानियों के अंदर वो घिरा हुआ नजर आता है। लेकिन बजाने देखने के अंदर ये लगता है कि जी बड़ी ऐश की जिंदगी है, बड़े मजे की जिंदगी है। पहले भी वाकई में नर्ज किया था कि एक शख्स की मुलाकात हुई हजरत फजर से, तो हजरत फजर ने कहा कि उसने कहा कि जी आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए। क्या दुआ करूं, कहा कि मेरे लिए कोई ऐसी दुआ कर दीजिए कि दुनिया के अंदर मुझे सुकून वाली जिंदगी नसीब हो जाए। तो हजरत फजर ने कहा कि नहीं, ऐसे में दुआ नहीं करता, तो उसकी कोई मिसाल सामने पेश करो कि दुनिया के अंदर कोई ऐसा आदमी है जैसा तुम बनना चाहते हो, जिसकी जिंदगी के अंदर ऐश हो, सुकून हो, दुनिया का माल और दौलत हो, सब कुछ मौजूद हो, कि ऐसी मिसाल सामने पेश करो, तो फिर मैं तुम्हारे लिए दुआ कर दूंगा कि अल्लाह तुम्हें उस जैसा कर दे तो हो जाओ। और इसके लिए तुम्हें एक महीने की या छह महीने की मोहलत है कि तुम ऐसा कोई आदमी तलाश करो। और वो बंदा तलाश कर रहा है, जिस आदमी को देखता है, करीब जाता है, हालात मालूम करता है, पता चलता है तो परेशानी में घिरा हुआ, किसी को कुछ परेशानी, किसी को कुछ परेशानी। एक मतलब उसने देखा कि एक जौहरी है, जवाहरात का काम करने वाला, बहुत बड़ी उसकी दुकान है, बड़ी खूबसूरत उसकी औलाद है, और बड़े मजे से वो एक गद्दी पर बैठा हुआ है, मुलाजमीन काम कर रहे हैं, और पैसे की बड़ी रेल मेल है। उसने सोचा कि देखिए आप ही बड़े ऐश के मालूम होता है, तो हो ना हो इस जैसा होने की दुआ करा देते हैं कि इस जैसा था हमने कर। फिर सोचा कि चलो इससे पूछ ही देते कि ऐसा ना हो कि ये भी किसी मुश्किल के अंदर गिरफ्तार, इसे मालूम कर लेते। तो उसको कहा कि आपका मायरा था कि भाई मैं तुम जैसा बनने की दुआ कराना चाहता हूं, अब तुम ये बताओ तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है, कोई मुश्किल तो नहीं है। उसने कहा कि अल्लाह मैंने वो तुम जैसा बन, मेरी जिंदगी की कहानी तो ऐसी अलमनाक है, अल्लाह किसी दुश्मन के साथ भी मामले में पेश आया। अब उसने अपनी कहानी बना दी, उसने कहा कि मेरी बीवी बड़ी खूबसूरत, बहुत हसीन जमीन,
और मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करने वाला, खूब से मोहब्बत करने वाला, मेरी बीवी बीमार हुई और ऐसी बीमार हुई कि बस वो दुनिया से जाने के करीब हो गई। तो जब मैंने उसकी इस हालत को देखा कि वो दुनिया से जाने वाली है, तो मैं उसके पास बैठकर रो रहा था। तो वो कहने लगी कि होते क्यों हो, तो तुम्हारी जिंदगी में हो रहा हूं। कहा कि सब मर्द ऐसे ही करते हैं, मैं मरता हूं कि दूसरे दिन खुद भी शादी कर लो। ये सब मर्दों की ऐसी चाल होती, ऐसी बातें होती। बस कहता है कि मैं जोश में, जज्बात में आया और मैंने अपने रोटी तनासुम को काट कर फेंक दिया, तरह से उसका रलिया काट कर फेंक नाकारा कर दिया अपने आप। तब तो मुझे यकीन आया कि मैं शादी कर ही नहीं सकता, खुदा की कुदरत तो अच्छी होगी, तो अच्छी होगी, सेहतमंद होगी और ये नाकारा होगी। अब वो कहता है कि ये जो मुझे औलाद नजर आती है कि मेरी औलाद नहीं, मेरे मुलाजमीन की औलाद है, तो अल्लाह न करेंगे तो खुद जैसा होने की दुआ कराओ। वही बात के ज्यादा माल दौलत जमा होने से वो जमीन में बातें मौत होती है। अगर उस माल के साथ दुनिया के अंदर बद्दी के अंदर बसा है और अपने वो दुनिया के अंदर खबा दे, क्योंकि दुनिया उनकी फाबले मजम्मत है जो आपस से बातें करने वाली है। और अगर दुनिया आपस से बातें करने वाली नहीं है, दुनिया का माल और बात है लेकिन आपस की फिक्र भी मौजूद है, तो ये माल और असबाब उसके लिए आखरत को मददगार है। जैसे कश्ती में पानी की मिसाल भी मौला के रूप में बोल रहे हैं कि पानी अगर कश्ती के नीचे है तो मददगार है, और अगर वो पानी कश्ती के अंदर आ जाए तो कश्ती को बदल देगा। इसी तरह से ये दुनिया जब तक दिल से बाहर है, कि दिल एक कश्ती है, उस कश्ती से बाहर अगर ये पानी है, ये मार है, तो ये मददगार है, और अगर ये दिल के अंदर आ जाए तो फिर ये ईमान की कश्ती को डबो देगा। अब उसके बाद हजरत हुदैर से मुलाकात भी, कहा कि भाई बताओ किस जैसा होने की बात है। तो कहने लगा कि हजरत मुझे तो कोई एक शख्स दुनिया के अंदर ऐसा नहीं मिला कि जो राहत के साथ हो, आराम के साथ हो, जिसके पास दुनिया भी हो और राहत और आराम भी हो। अब आप मेरे लिए खुद ही कोई दुआ कर दीजिए। उन्होंने कहा कि भाई मैं तेरे लिए ये दुआ करता हूं कि अल्लाह तुझे दुनिया में अपना ताल्लुक नसीब फरमा दे, अल्लाह तुझे दुनिया में अपनी निस्बत अता फरमा दे, तो ताल्लुक अता फरमा दे, और अल्लाह की निस्बत और ताल्लुक के साथ अगर दुनिया मिलेगी वो दुनिया मुसीब नहीं होगी, वो दुनिया मजबूत होगी, वो मुसीब नहीं होगी, तो अब वो दुनिया आखिरत के लिए मददगार होगी। तो दुनिया कौन सी काबिले मददगार है? दुनिया वो काबिले मददगार है जो आखिरत से वादा प्राप्त करने वाली है। उनके दिल में यह फिक्र हुई कि किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक कायम करना चाहिए और अपनी इस्लाह करानी चाहिए, अल्लाह की नस्बत को हासिल करना चाहिए। तो शहर की तलाश में निकले तो ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह अलैह अपनी खानकाह में पहुंचे। जब खानकाह के अंदर देखा तो वहां बड़ा फाट बाट देखा कि वहां पर कालीन बिछे हुए हैं, सुल्तान खिदमत में लगे हुए हैं, आलिशान जो है बिस्तर गांव तक लिए सब फाट बाट। तो दिल के अंदर एक ख्याल पैदा हुआ, दिल में ख्याल ये पैदा हुआ कि ये कैसे उनके सहन में तो बुजुर्गी का ये था बयान कि वो झोंपड़ी होगी, वो फटा फूटा लिबास होगा, इस तरह की जो होगी, ये बुजुर्गी का नक्शा जहन में था। और वहां जब वो घाट बाट देखा, खाना पीना देखा, सब चीजें देखी, तो दिल में ये एतराज आ गया, ये कैसे अल्लाह वाले। तो एक मिसरा कहा, एक मिसरा कहते वहां से चले गए, कहा कि नमन दस खान की दुनिया दोस्त बारह, क्यों अल्लाह वाला नहीं हो सकता कि दुनिया को दोस्त रखे, और कहीं में जाकर एक मस्जिद में जाकर सो गए। सोए तो फाप देगा, फाप देगा कि मैदान हशर बर्बाद, लोगों की पेशी हो रही है अल्लाह के सामने, आमान का वजन हो रहा है, अब इनकी भी पेशी होगी।
अब उनके जब आधार का वजन हुआ तो एक नेगी कम है, वहां पर एक नेगी कहीं से दे तो तुम्हारा काम बन गया, और वहां पर एक नेगी कौन देगी परेशान करें। इतने में देखा कि बहुत खूबसूरत कोई अल्लाह वाले को घोड़े पर सवार और गुद्दाम के साथ वो आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने खादिम से अरे पूछो इसको क्या परेशानी है, क्यों परेशान है? पूछा खादिम मुझे तो एक नेगी की जरूरत है, एक नेगी में जाए तो मेरा काम करता है। कहा अच्छा जो हमारे यहां पर जमात में से एक नेगी इसको दे दो, बस एक नेगी मिली और काम बन गया। दौड़कर उस खादिम से पूछा गया तो बताओ शख्सियत कौन है, कहा कि ये ख्वाजा मुअल्लिम था अब्दुल्लाह। अब तो दिमाग को दिल में छोड़ लगे कि जिनको मैं ये कहकर आया था कि वो अल्लाह वाला नहीं हो सकता जो दुनिया को दोस्त रखे, तो यहां तो मामला कुछ और वापस गए और जाकर कहा कि हजरत नहीं बताए, तो फादर अब्दुल्ला आधार है अब्दुल्ला ने बताया कि वो मेरा बिस्तरा तो बहुत आपको बिस्तरा कर रहा है। कहा कि हजरत मेरी नालायकी थी, मैं माफी चाहता हूं। पता है तुम्हें पहले अपनी मर्जी से कहा था और हम कहते हैं हमारे हुक्म से कहो, तो कहा कि अगर मैंने यूं कहा था कि मर्दस खान को दुनिया दोस्त धारण कि वो अल्लाह वाला नहीं हो सकता जो दुनिया को दोस्त रखे, कहा तो तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसके साथ एक जुमला और मिला हो अगर दावत पर आए दोस्त दारा कि दुनिया को अगर दोस्त रखे उस दोस्त के लिए क्योंकि दुनिया उसके लिए मुजिर नहीं है, तो बात हुई है कि अल्लाह ताला उस बंदे को जिससे मोहब्बत करते हैं उसे दुनिया से इस तरह बचाते हैं, दुनिया के माल दौलत से बचाते हैं कि जैसे इस किस्सा के मरीज को तुम पानी से बचाते हो, क्योंकि जब ये दुनिया ये माल दौलत के असबाब जमा होते हैं तो जो सबसे पहले जिस चीज का नुकसान होता है वो जमीयत कंफर्म हो जाती है, और जमीयत कल्ब होकर सारी राहत का बाजार है, सुकून का बाजार है। जब वो जमीयत कल्ब ही चली गई तो आदमी मुशविश रहता है, इंतजार की हालत में रहता है, परेशान रहता है, और अल्लाह वालों की एक अहमियत होती है कि बावजूद बेसर समाधि के भी दिल के अंदर ऐसी जमीयत होती है कि किसी बड़ी से बड़ी मुसीबत पर भी परेशान नहीं होते। ये नहीं कि अल्लाह वालों पर मुसीबत नहीं आती, परेशानियां नहीं आती या बीमारियां नहीं आती, आती है, लेकिन उस सबके आने के बावजूद भी दिल परेशान नहीं होता, और उसकी वजह यह होती है कि दिल अल्लाह के ताल्लुक से ऐसा सरशार होता है, उस अल्लाह की मोहब्बत से ऐसा लबरेज होता है कि जो भी नागवार वाकया पेश आता है तो ये है कि किसकी जानिब से है, महबूब की जानिब से, और हर हर चीज में महबूब का तसव्वुर मुझे नजर आता है कि तसव्वुर कौन कर रहा है, ये महबूब कर रहा है, और जब मेरा महबूब ही तसव्वुर कर रहा है तो बस उसके तसव्वुर में खैर ही है, तो दिल उसको कबूल कर लेता है, दिल उसके लिए आमादा हो जाता है, चाहे वो बीमारी है, चाहे वो नुकसान है, चाहे वो किसी प्यारे का इंतकाल है, कोई भी चीज है, दिल उसे कबूल कर लेता है कि महबूब की जानिब से, और वो राजी बराजा रहता है, राजी बराजा, और जब राजी बराजा रहता है तो दिल की जमीयत जो है वो जमीयत कल्बी ये उसकी मुतासिर नहीं होती बल्कि ये कायम रहती, बल्कि और बढ़ती है, यकीन बढ़ता है अल्लाह के साथ, अल्लाह की मोहब्बत दिल के अंदर बढ़ती है। तो अल्लाह ताला की मोहब्बत की पहचान को यहां पर बयान फरमाया कि उसकी पहचान यह है कि दिल में जमीयत जमीयत कल्ब होती है, और जमीयत कल्ब वह सारी राहत का मदार है जिसके सामने हिब्ते इबलीस भी हेज है कि सात बड़े आजम की सल्तनत एक तरफ हो और दिल की जमीयत एक तरफ हो उसके सामने वो गर्द की कोई हैसियत नहीं। आप देखेंगे हजरत वस्ताद रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में शाह संजर ने खत लिखा कि मैं अपने मुल्क के नीम रोज का एक हिस्सा आपकी खानदान के लिए देता हूं, आप मुझे कबूल फरमा लें ताकि आपका गुजर बसर बहुत अच्छा हो। और हजरत वस्ताद रहमतुल्लाह अलैह किया ये कहती थी कि वहां पर भी बड़ा खतरनाक था कि एक वाकया कि एक शख्स ने कपड़ा बनाया था, कीमती कपड़ा जो था कि बादशाह जो कपड़ा खरीदेगा और उसके साथ ये होगा कि मेरी सात दिन की जरूरियात पूरी हो जाएंगी, बेटी की शादी कर दूंगा
जब वो कपड़ा लेकर बादशाह के दरबार में गया, बादशाह ने कहा बेदरी गरीब का महंगा कपड़ा है। और वो बेचारा मायूस, जिसे अपनी दो बेटियों की शादी करनी, वो मायूस होगी कहीं से गुजर रहा था, उसको कष्ट हो गया कि ये परेशान जा रहा है। बुला दिया काम का, मुझे भी क्या बात है, सब कभी कपड़ा बना के लाए। और बादशाह ने तो मना, मुझे कितनी कीमत है वहां के 30,000 दिनों की, कितनी कीमत इसकी थी, तो खादिम के पास दे दो कपड़ा, ले लो ले लिया। दर्जी को बुलाया, कहा कि हमारे खुम्बा सी दो। अब दर्जी खुम्बा सी ने लगा तो वहीं से वो दामन से आस्तीन से कपड़ा कम पड़ गया। तो दर्जी आया और आकर उसने कहा कि हजरत कपड़ा तो कम पड़ गया, तुम टाज उठा कर दिया, मैं टाज सी हूं, टाज का पहलो लगा। बादशाह को जब नहीं पता चला तो बादशाह ने वजीर को भेजा तो जाके पूछो। अब बादशाह को लगा कि उसकी बेइज्जती हो गई कि बादशाह ने वो कपड़ा ना खरीदा और फकीर ने वो खरीद लिया, तो ये कैसे खरीद लिया, कैसे हिम्मत हुई खरीद लेगी। अब जब वजीर आया और वजीर ने आकर ये मंजर देखा कि उसे इतने महंगे कपड़े के अंदर टाट का पैटर्न लगा रहे हैं, तो खामोशी से वापस लौट गया और जाकर कहा कि हजरत बादशाह से कहा कि आप अपने इरादे से तौबा कीजिए, उनके नजदीक तो टाट और मक्खन सब बना रहे, ये अल्लाह वालों की कैफियत होती है। मैं इस बता कि अल्लाह ऐसी अपने बंदों की हिफाजत करता है कि उनकी जमीयत कल्ब जो है वो मौत नहीं होती, और जमीयत कल्ब हर हालत में बाकी रहती है। और असल चीज यही है, दिल के सुकून का जो मदार है वो जमीयत कल्ब पर है। जितनी जमीयत कल्ब होगी उतना ही जिंदगी के अंदर सुकून होगा, इसलिए इसकी खास हिफाजत करनी चाहिए और इंतशार से अपने आप को बचाना चाहिए। मुझे शबी साहब रहमतुल्लाह ने बयान किया कि फरमाया जब हजरत के साथ जा रहा था, हजरत ने अपनी जेब से पेंसिल निकाली, कागज निकाला, कुछ लिखा और गुरुद्वारा जेब में रख लिया। फिर मुझसे कहा कि मौलवी शबी, तुमने देखा तो मैंने क्या किया। कहा कि हजरत आपने कुछ लिखा, कागज पकड़ से जेब में रख लिया। कहा यही तो बताना चाहता हूं कि ये क्यों किया। कहा कि जब भी कोई बात दिल में आती है, जहन में आती है, तो अपने उस जहन का जो बोझ है वो कागज पर डाल देता हूं, फिर दिल में पानी लगता हूं। और फरावत कल्बी का बहुत एहतमाम करता हूं कि मुबादा फरावत कल्बी के साथ अल्लाह का नाम लेने की तौफीक मिल जाए। इस दिल को फारिग रखना चाहिए। किसके लिए फारिग रखना चाहिए? दुनिया के लिए नहीं, दुनिया की लज्जतों के लिए नहीं, अल्लाह की याद के लिए इसको फारिग रखना चाहिए। और वक्त की तलाश में रहना चाहिए कि कोई वक्त मिले, तन्हाई हो, कलवत हो, अल्लाह की याद के साथ अपने वक्त को आबाद करें। अल्लाह ताला से इसकी तौफीक अता फरमाए। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا منها بحكمة الله إن القول والعهد والفكرة والنية والهدى. إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمان وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآسرنا ولا تقصر علينا فأرضينا وارحمنا فأرضينا وارحمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألت منه نبيك وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
ونعوذ بك من شر المستعاذ وتسليم الذي تسلمنا محمد صلى الله عليه وسلم فانت المستعان لا دين الكلام ولا قوه ولا قوه الا بالله وجزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم.